गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी संगी हाजों वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल में। सो गाइस मैं यूजुअली ब्लॉगिंग करती हूँ बट दिस टाइम मैं सोच रही हूँ कुछ मसाला ऐड करा जाए, इसलिए मैंने क्या प्लान किया ट्रिप। यस आई एम गोइंग फ्रॉम मेघालय टू दिल्ली ट्रिप बाई रोड विथ माई एल्ट्रोस टॉप मॉडल वाला गाड़ी जो आपको पता है है। हमें पड़ेगी करीब करीब 2000 किलोमीटर फ्रॉम मेघालय टू दिल्ली। और हम सबसे पहले आज के दिन टारगेट है सिलीगुड़ी पहुंचने का, उसके बाद हम पहुंचेंगे लखनऊ, उसके बाद दिल्ली। तो पहले आज का फर्स्ट दिन है और आज हम जाने वाले हैं सिलीगुड़ी। सो लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट कर दिया है अपना गूगल मैप और हमने शुरू करा है ये मेघालय से ट्रिप। और मेघालय का मौसम कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, अभी आगे जाके जैसे जैसे जगह बदलेंगे मौसम भी बदलेंगे। तो गाइस जुड़े रहिएगा इस ट्रैवलिंग व्लॉग में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन में फुटबॉल हो रहा है, फुटबॉल 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 रास्ता ही मेघालय का ऐसा फुटबॉल वाला रास्ता है। तो ऑलमोस्ट अभी हम मेघालय में ही हैं, अभी तक नहीं निकले हैं। आउट ऑफ मेघालय निकलेंगे तब आएगा मजा हाईवे रास्ते पे, तब तक जुड़े रहेगा गाइस। तो हम पहुंचे खारदांग, पता नहीं ये यहाँ पे शायद आधा मेघालय आधा बढ़िया जगह है यहाँ पे सीनिक व्यू। बिकॉज़ इट्स आसाम, ये ना आधा आसाम है, इट्स आसाम, ये पूरे ही आसाम है अभी। इस वजह से बढ़िया है और इट्स अ मेसमराइजिंग व्यू।
नहीं। सो गाइस यहाँ पे सामने में हमें ढाबा मिला है, हम तो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं बोलपारा और यहाँ से निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। और ये ढाबा है, खाने में है हमारा भेलपूरी खाने वाले हैं, सामने आपको देख रहे भेलपूरी। सुबह तो ऑमलेट खा के आए थे, और आपको एक बात बता दूं गाइस, बल्लू को छोड़ के आना पड़ा क्योंकि अब बेकार में मतलब उसका तो तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाएगी ऐसे मौसम में, गर्मी में ट्रैवल कराना भी उतना ठीक नहीं है, घर पे रहेगा तो थोड़ा आराम कर लेगा, इसलिए बल्लू को भी नहीं था कि भरोसे छोड़ाई मैं, और मुझे पता है कि वो चीज़ें ख्याल रख लेगी बल्लू। सुबह को थोड़ा सैड फील हो रही थी, मैं उसको छोड़ के आराम पड़ा, फिर भी क्या करें। सो गाइस चलो चलते हैं आगे के ब्लॉक पे खाने के। हमारी भेलपूरी आ गई है, और दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है मेघालय से बाहर कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, भेलपूरी कुछ अच्छा दिख रहा है, ये बढ़िया सा सभी हम इसे खाने वाले हैं। सो गाइस आपको मैं ये इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, इसमें क्या क्या डला है। सबसे पहले तो ये चना प्याज और धनिया की चटनी है, सॉस और ये दही मूंगफली भुजिया और टमाटर भी है इसमें। सो सब चीज़ों का मिश्रण लेके अभी मैं खा के बताती हूँ आपको। सामने आपको देखने की देखिए रेलवे क्रॉस हो रही है रेल ट्रेन, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बाकी की गाड़ियां वहां से भी अटकी हुई है इधर से भी अटकी हुई है, पीछे में भी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगे आपको, तो इसी बहाने आपको चलता ट्रेन भी दिखा देती हूँ। वो देखो आ रहा है, आ रहा है, देखो वो आ रहा है, ये गया लाल डिब्बी येलो डिब्बी वाला ट्रेन भारतीय रेल। तो हम पहुंच गए हैं बंगाई गांव, और यहाँ से गूगल मैप बता रहा है कि सिलीगुड़ी हमें और 6 घंटा 16 मिनट लगेंगे, इट्स अबाउट 291 किलोमीटर। तो बोंगाईगांव कुछ ऐसा दिखता है, आसाम शहर है हल्का सा, तो चले आगे जाके देखते हैं क्या लिखा है ट्रिप में। और ये ट्रक जा रहा है बिहार को, कैसन बा निमन बा लकड़ी से भरा हुआ जा रहा है, मालगाड़ी बहुत देखने को मिलेगी आपको इस रास्ते में। सो गाइस हम सिलीगुड़ी तो नहीं पहुँचे बट ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, और हमने यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए उतरे हैं पेट्रोल पंप पे, और बाजू में ये गन्ने का जूस वाला अंकल है, तो यहाँ से हम गन्ने का जूस लेने वाले हैं पीने वाले हैं। क्या और एक चाहिए? हाँ इसमें दे दो और दे दो और क्या, इसलिए तो ग्लास पकड़ाया था यार। मैं तो समझ नहीं दे। अरे नहीं नहीं जल्दी जूस तो मजेदार था, तो गन्ने का जूस पी के हमने क्रॉस कर लिया है आसाम बंगाल का बॉर्डर, और यहाँ गूगल बाबा दिखा रहे हैं कि 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे वे टू सिलीगुड़ी, तो जुड़े रहेगा ब्लॉग में।
किलोमीटर सीधा सीधा है, हो गया सर। सो गाइस, यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये चाय की बगान है, हरे हरे चाय की बगान। बंगाल का है ये, लेकिन आसाम का नहीं है, बंगाल का चाय का बगान। तो गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धूपगुड़ी जा रहे सिलीगुड़ी, हम जा रहे सिलीगुड़ी 163 किलोमीटर, यहाँ से जलपाईगुड़ी भी 119 किलोमीटर। सीधा इधर से निकल जाते हैं हम गेट की तरफ। बंगाल पड़ चुकी है और यहाँ पे जो है रास्ता, यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग का रास्ता साइन बोर्ड दिखा हमें। सो वेन एवर यू कम यू बी केयरफुल, क्योंकि यूजुअली एलिफेंट सबको चलते हुए क्रॉस करते हुए मिल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने फोटो एक दो खींच लिया और एक रील बना ली, बस मन की संतुष्टि के लिए। और पीछे ये गया, इस टी गार्डन का नाम क्या है, क्या है? बीपारा। सो अभी निकल रहे फिर से, ये तो बस ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए उतर गए गाड़ी से, हम सीधा गाड़ी की तरफ। रोड क्रॉस करते हुए भी यहाँ पे इस साइड पे भी टी गार्डन ही टी गार्डन देखने को मिलेगा। बढ़िया है, बढ़िया। और तो जी, हम आ गए ढाबे पे और यहाँ पे गर्मी तो
ऊपर से फ्राई, बट इट्स वेरी गरम वाला। तो गाइस बहुत ही भयंकर गर्मी है और ढाबे पे रुकी हूँ, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है एक्चुअली गर्मी में। तो मैंने ये लस्सी मंगवाई है, ठंडी है, मज़ा आ रहा है, अभी थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। अभी समय हुआ है 5:14 शाम के और हम पहुंच गए सिलीगुड़ी सिटी। और गूगल माता भी बोले ही जा रही है तब से कि हम बहुत ही नजदीक आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कितना किलोमीटर है भाई साहब? 5 किलोमीटर है अभी फिलहाल और हम फट से पहुंचने वाले हैं शाम ढलने के पहले। हेलो, जय माता जी, जय माता जी। सिलीगुड़ी आ गया। ओ नहीं, मैं आ गई हूँ। यहाँ पे रास्ते में चल रहे हैं गाय माता, गौ माता, गाड़ियाँ भी चल रही है बराबर। इट्स अ सिटी, यो यो। शाम होते होते पहुँच गए हम लोग अंधेरे के सुनसान रात में। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 5:30 शाम के। तो अभी हम निकल रहे हैं, मतलब रूम बुक करा है, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके खाने के लिए निकलेंगे। डिनर खा वा के थोड़ा रेस्ट लेना है, बहुत थक चुके हैं भारी भरकम वाला। तो गाइस हम आ चुके हैं सिलीगुड़ी और रूम में जाने के पहले हम सोच रहे कि पानी पूरी खाया जाए, बिकॉज बहुत भूख लग रही है। थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी पानी। हेलो पापा, बहुत भारी है, खिलाना दोस्त। गाइस ज़्यादा पानी पूरी तो खा नहीं पाई क्योंकि मेरा मुंह के माउथ अल्सरेशन हो गया ऐसा। तो अभी ये मैं इडली डोसा, ये भैया से इडली डोसा मंगवाई है। अभी इडली प्लेन इडली विदाउट मसाला खानी है। तो गाइस मेरा मौसम्बी का जूस आ गया है और इसे मैं पीने वाली हूँ, बहुत गर्मी है। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अभी सेकंड पार्ट व्लॉग में, जो कि हमारा ट्रिप रहेगा फ्रॉम सिलीगुड़ी टू लखनऊ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे जाके और ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग लाऊं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।